नामों वाली सियासत। मध्य प्रदेश में शहर रेलवे स्टेशन के बाद गांव के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। भोपाल नगर निगम की बैठक में भोपाल के 3 स्थानों के नाम बदले गए हैं। ऐशबाग हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग हॉकी स्टेडियम नाम दिया गया है। वहीं भोपाल के ही पुल पात्रा के मार्ग का नाम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के नाम पर रखा गया है। तो बरखड़ा पठानी को लेकर बात करें तो उसका नाम अब पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर होगा। इससे पहले आपको बता दें भोपाल के इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया। वहीं टीकमगढ़ के 2 गांवों के नाम भी बदल दिए गए। इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम, माखन नगर और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भी नाम रखे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में नाम वाली सियासत, इस पर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी से रहेंगे चेतन सिंह जी। चेतन जी स्वागत है न्यूज़ में आपका। कांग्रेस से रहेंगे अजय शाह जी। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में। नमस्कार जी। चेतन जी, मध्य प्रदेश में नाम बदलने का सिलसिला देखा जाए तो लगातार जारी, और कल जिस तरह से नगर निगम में प्रस्ताव पास किया गया 3 जगहों के नाम बदलने को लेकर बात सामने आई है। ऐशबाग के नाम हो, बरखेड़ी का रास्ते की बात हो, या फिर पर बरखेड़ा पठानी की बात हो, इनके नाम बदल दिए गए हैं, किस तरह देख रहे हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से अगर कोई तथ्य, कहीं पर सामाजिक रूप से कई तथ्य, कहीं पर वर्तमान हालातों में कुछ नई परिस्थितियां हैं, तो उन सब बातों को, उनके योगदान को लेकर के, उन सारी बातों का अध्ययन करके जहाँ पर आवश्यकता है, लोगों की अपनी उनकी एक इमेज है, जिन्होंने शहर के लिए, प्रदेश के लिए काम किया, देश के लिए काम किया है, जहाँ आवश्यकता होती है उस पर निर्णय करते हैं, और उस निर्णय के आधार पर फिर जहाँ पर वहाँ के लोग जो चाहते हैं उस हिसाब से नाम का नामकरण किया जाता है। जैसे इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर हुआ। जगदीशपुर जो नाम हुआ है, ये आज से पहले ऐतिहासिक रूप से आप उठा करके देखिए, ये दर्ज है इतिहास में कि उसका प्राचीन नाम जगदीशपुरी था। तो जिन आताताइयों ने, आक्रांताओं ने तलवार की दम पर इस तरह की गंदी हरकतें की हैं, अगर उसको वहां की जनता आज बदलना चाहती है, और मैं तो कहता हूं किसी ने भी की हो, वो किसी भी जात धर्म पंथ संप्रदाय के लोग हों, अगर इस तरह से तलवार के दम पर, जोर जुर्म के दम पर अगर कहीं इस तरह का पाप किया है, तो वर्तमान परिस्थितियों में उसका बदलना कहीं से अनुचित तो मैं नहीं मानता जी। चलिए, क्या कहेंगे अजय शाह जी, आवश्यकता के मुताबिक कुछ कदम उठाए जाते हैं, हालांकि जिस जगह का नाम बदला जाए उसका इतिहास भी देखा जाता है, लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखा जाता है, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? साहब ऐसा है, अब 70 साल हमारे आजादी भी हो गए जी, ये नाम चल रहे थे, किसी को भी कोई इस पे तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन बीजेपी के आते साथ ही ये सब तकलीफें होनी शुरू हो गई, क्योंकि एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ये हालात बदलने आए थे, हालात बदल नहीं सकते, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये नाम बदल रहे हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब पहली बार मोदी जी वहां गए थे बनारस, तो उन्होंने क्या कहा था, तब क्योटो बना दूंगा जी। गंदगी आज भी हुई है, तो ये हालत अच्छे दिन लाएंगे। क्या हुआ, आज तो लोग कहने लगे कि साहब हमारे तो पुराने, अब पुराने दिन भी लौटा दो, ये मोदी भी ले लो, ये मामा भी ले लो, भले ही छीन लो हमसे स्मृति ईरानी, लेकिन हमको पुरानी कीमतों में दे दो जी। वो दाल, वो पानी, वो खाद और पानी, ये स्थिति हो गई है। तो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, वोट कबाड़ने के लिए ये सिर्फ नाम बदलने की कयावत कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए, आज अर्थव्यवस्था को हर्ष बिगड़ गयो, रुपया गिर गयो धड़ाम, इंटायर राजनीति शास्त्र वाले को अगर हम सत्ता देंगे तो हमारा हिंदुस्तान का ऐसे ही होगा अंजाम जी। चलिए, क्या कहेंगे चेतन जी, आजादी के 7 दशक से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन सिर्फ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे मित्र से जवाबदारी से मेरे प्रश्न का उत्तर चाहूंगा, और नैतिकता का तकाजा है कि बहुत पुरानी बातें नहीं है कि मेरे मित्र इस बात को भूले होंगे,
मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जो तथ्यात्मक बात है वो जवाब के रूप में मुझे कहेंगे जी। मध्य प्रदेश की विधानसभा में आज से 4 दिन पहले निषादपुरा रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव आता है, क्या कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं किया है जी? मैं 4 दिन पहले की केवल बात कर रहा हूँ। कविताओं से देश नहीं चलता है, कविताओं से हालात नहीं बदलते, मौसम अपने आप बदलते हैं दोस्त। हालात बदलने के लिए खून और पसीना बहाना पड़ता है। जिस बनारस की और बनारस के गलियों की आप बात कर रहे हो, मैं आपसे नहीं, सारे विश्व के चैनल के लोगों से भी, सारे विश्व के उन तमाम प्रख्यात लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आज के 10 वर्ष के पहले के बनारस की तस्वीर निकाल करके देख ली जाए और वर्तमान के बनारस की तस्वीर देख ली जाए। जिस अमेठी ने इसे देश को लगातार प्रधानमंत्री दिए, उस अमेठी की आज से 5 साल पहले की तस्वीर देख ली जाए और आज के वर्तमान की अमेठी की तस्वीर देख ली जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, झूठ के पांव नहीं होते। रेत के महल कभी ज्यादा दिन नहीं टिकते, हवा के झोंकों के साथ बह जाते हैं मेरे मित्र। इसलिए जो भी बात करते हो कम से कम कहीं तो संजीदगी रखो। इस कहानियों में कविताओं में तालियां बजाने के लिए होती है। अगर आप भी इस देश में राजनीति ताली बजाने के लिए करते हो तो मेरा कुछ नहीं जाता। 2% वोट पर उत्तर प्रदेश की राजनीति आपकी आकर के टिकी, आप उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हो। धन्य है आप जैसा वक्ता और आप जैसी पार्टी का लीडर कि 2% पे भी हिंदुस्तान बदलने की बात तो कर रहा है जी। चलिए क्या कहेंगे अजय शाह जी, चिरंजीवी इन बातों को लेकर? अभी देखिए कितनी तालियां बजवाई बीजेपी ने। नॉर्थ ईस्ट में जो 3 राज्यों के चुनाव हुए उसमें मेघालय में 60 सीट पे बीजेपी लड़ी, उससे और मुद्दे की बात कीजिए। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की जो राजनीति उस पर जो चर्चा हो रही है शाह जी, तो इन्होंने बोला ना साहब, मैं उसी का जवाब तो पहले दे दूं जी। उसमें से 60 में से 58 में जमानत जब्त हुई, लेकिन तालियां नहीं बजवाई कि वाह 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 मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए, मोदी जी की जीत हो गई। ये तो इनकी कारिस्तानी है। ताली बजाने की बात कर रहे थे ना ये, मैं उसके जवाब दे रहा हूँ कि तालियां इस तरह भी बजाई जाती हैं। अभी तो सीट अपनी सीट बांधे रखिए कुर्सी की, क्योंकि मौसम और भी खराब होने वाला है। मैं बताइए, हबीबगंज के नाम उन्होंने रानी कमलावती कर लिया, क्या हो गया जी? कुछ बदल गया क्या? होशंगाबाद का उन्होंने नर्मदापुरम कर दिया, हिंदुओं को क्या मिला? कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिला क्या? या हम आदिवासियों को क्या मिला जब हबीबगंज से कमलावती हो गया? हमारे लिए तो किया गया था ना, यही बताया गया था ना, वो झुंझुना थमा दिया गया कि आप चन्ना मामा दूर के खोर बकाए दूर के, क्या मिला? नाम बदलने में क्या हुआ? हालात बदलने चाहिए। आपने उसका क्यों जवाब नहीं दे रहे जी? बोल बोल करके आप बात कर रहे हो। नहीं, किस बात का जवाब चाहते हैं आप, बोलिए ना। मध्य प्रदेश की विधानसभा में निषादपुरा रेलवे स्टेशन के नाम बदलने का प्रस्ताव कांग्रेस ने समर्थन क्यों किया? देखिए ऐसा है, अगर हमने उसका प्रस्ताव का वो किया है तो किया है। हम क्या बोलते हैं, आप करो तो रामलीला, हम करें तो रासलीला। ठीक है, आपकी बात आ गई, बहुत बढ़िया है जी। चलिए, लेकिन अजय शाह जी ये भी कहते नजर आ रहे हैं चेतन जी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है पुराने नामों से, और 7 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया देश को आजाद हुए, क्या लगता है कि जब नाम बदलेंगे तभी विकास होगा क्या? जी चेतन जी, चेतन जी आवाज मिल रही है? अच्छा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो आपको बता दें मध्य प्रदेश में नाम वाली सियासत, जी हाँ, एमपी में नाम वाली सियासत कुछ इन दिनों ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। जिस तरह देखा जाए, होशंगाबाद का नाम बदल कर नर्मदापुरम कर दिया गया है, भोपाल राजधानी के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। इसके अलावा बात की जाए तो ऐशबाग स्टेडियम, जो ऐशबाग से नाम से जाना जाता रहा है, अब उसका नाम सारंग जी के नाम पर, स्वर्गीय सारंग जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनके नाम पर रखने का ऐलान कर दिया गया है।
स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग के नाम पे होगा अब हॉकी स्टेडियम। इसके अलावा बात की जाए पुल पात्रा मार्ग को लेकर, इसका नाम भी जो है अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के नाम पर करने का ऐलान किया गया है। भरखेड़ा पठानी, यहाँ पर भी नाम बदलने का जो है नया नाम सामने आया और यहाँ पर अब इस जगह को पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें इससे पहले भोपाल के इस्लाम नगर का नाम भी बदला जा चुका है, जगदीशपुर नाम कर दिया गया है। वहीं टीकमगढ़ के दो गांवों को लेकर बात करें तो इनका भी नाम बदला गया है, इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम, माखन नगर और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के रूप में नए नाम सामने आए। हालांकि जिस तरह से देखा जाए जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट को लेकर रानी दुर्गावती करने की बात सामने आई थी। मिंटो हॉल का नाम भी यहां पर बदल दिया गया है, जो कि भोपाल की मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा रही है, जिसको मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था, उसका नाम भी बदल दिया गया है। इसको अब कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के नाम से जाना जाता है। हालांकि इससे पहले जिस तरह देखा जाए भोपाल का नाम बदलने को लेकर भी कई तरह के आवाज़ें पहले भी उठ चुकी हैं, और सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर बात करें तो हलालपुरा बस स्टैंड के नाम बदलने को लेकर उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी, और इसका उन्होंने कहा था कि हलाल नाम जो है अशुद्ध है, इसको हटाना चाहिए, इसका नाम हनुमानगढ़ी कर देना चाहिए। लाल घाटी का नाम बदल कर महेंद्र नारायण दास महाराज चौराहा कर देना चाहिए, इस तरह की उन्होंने बात कही थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस में हिम्मत है तो विरोध करें। अजय शाह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, अब जी। अजय जी, जिस तरह से नामों के बदलने को लेकर चर्चाएं लगातार जा रही हैं, और हालांकि जिस नर्मदापुरम होशंगाबाद का नाम बदला जाता है और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाता है, हलालपुर बस स्टैंड का नाम बदलने की बात सामने आती है, लालघाटी चौराहे का नाम बदलने की बात सामने आती है, तो क्या लगता है जब नाम ही बदले जाएंगे जगहों के तभी विकास को पंख लगेंगे क्या? नहीं, मैं वही तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ और न्यूज वर्ल्ड के दर्शकों से भी कि नाम बदलने के लिए जगह हालात बदलिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन क्योंकि वो हालात नहीं बदल सकते, हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं बीजेपी के राज में, दो इंजन की सरकार में, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वो नाम बदल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, कमलावती स्टेशन आदिवासियों के नाम से रखा गया, आज हम आदिवासियों की क्या दुर्गत हो रही है आप नहीं जानते, क्या हासिल हुआ? नर्मदापुरम होशंगाबाद को कर दिया गया, हिंदुओं को क्या मिल गया एडिशनल, जो इसके पहले जब होशंगाबाद नाम था नहीं उनको मिल रहा था। तो ये सिर्फ ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। मैं प्लीज कहना चाहता हूं, अगर नाम ही बदलना है तो भारत जो हमारे देश का नाम बदल लिए उसके लिए ये चालू नहीं होंगे। भारत खंडे हम लोग कब से, ये भारत वंश तो है हम लोग, भारत खंडे हम सुनते आए थे, ये हमारे देश का नाम भारत क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं चेंज करते? क्योंकि वहां पे वोट नहीं मिलते, ये तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान रखे जाए, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान के लड़ा के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, तो इनकी षड्यंत्र समझना चाहिए हमको। लेकिन शाहजी आपकी बात को लेकर अगर देखा जाए तो सवाल ये भी कि जिस तरह से आप जगहों के नाम बदलने को लेकर, स्टेशनों के नाम बदलने को लेकर आपत्ति यहाँ जाहिर करते दिखाई दे रहे हैं, पूरे के पूरे देश का नाम ही बदलने की बात आप यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैं उन्हीं के बात का समर्थन कर रहा हूं। जी, उन्होंने अभी बोला कि हमने समर्थन किया, मैं तो बोला इस बात का समर्थन कर लीजिए, मैं तो देश की बात कर रहा हूँ और मैं रिवायत की बात कर रहा हूँ। क्या कौन नहीं जानता कि हम भारतवासी है? ये भरत खंडे हम हमारे कथाओं में और पंडितों से कब से सुनते आए हैं, लेकिन वो नहीं चुनेंगे क्योंकि वहां वोट की राजनीति नहीं होती है। ये नाम बदलने की कयावत जो बीजेपी कर रही है सिर्फ वोटों की राजनीति, अपनी फसल काटने के लिए और अपनी असफलता मिटाने के लिए, हटाने के लिए, दूसरों से नजरों से ध्यान भटकाने के लिए कर रही जी, है। ध्यान भटकाने की राजनीति चेतन जी, नाम बदलने को लेकर जो मुद्दे हैं उन पर जो है असल राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। क्या लगता है कि नाम बदले जाएंगे तभी विकास हो पाएगा जगहों का? जो पार्टी सारे हिंदुस्तान में केवल एक परिवार के लोगों का नाम चलाती रही हो, रेलवे स्टेशन से लेकर के गलियों तक के नाम, चौक चौराहों तक के नाम इनके परिवार के नाम पर चलते रहे हो, तब इनको याद नहीं आया इस देश को आजादी दिलाने में इनके परिवार ने नहीं, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ऐसे अनेक योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, जिनको इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई, जिनको आतंकवाद गद्दार तक आ गया, ये इनके समय में हुआ। अरे कांग्रेस से अपने अंदर से अहंकार को निकालकर पहले खुद को हल्का करो,
जो हल्का होता है वही ऊपर उठता है, ये ध्यान रखना। कब तक भारी रहोगे? जब तक भारी रहोगे जमीन पर पड़े रहोगे, कोई नहीं पूछेगा। हम नाम बदलने की राजनीति नहीं करते, लेकिन हम उस बात को भी कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि जिसकी पावन भूमि पर तुम सांसें ले रहे हो, जीवन जी रहे हो, जीवन यापन कर रहे हो, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हो कि इनके जन्म का हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। अरे तुम्हारे जन्म का प्रमाण पत्र किसके पास है? भगवान श्री राम के जन्म का जो प्रमाण पत्र मांगेगा उसका वही हाल होगा जो कांग्रेस का आज हो रहा है। तो हम नाम बदल लेने की राजनीति ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, इतिहास में जो दर्ज है उस पर बात करते हैं। अभी मेरे मित्र जवाब नहीं दे पा रहे, बदलना था, समर्थन करना था, तो कर दिए। अरे क्यों कर दिया भाई? अगर आपको लगता है सारी आपत्तियां हैं तो मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा सू। आज चर्चा हो रही है तो हम राजनीति कर रहे हैं नामों को लेकर के, आप इस तरह के आरोप लगा रहे हो। नगर निगम में भी यही हाल होता है कि आप हाथ उठा करके वहां समर्थन करते हो, तो बाहर जाकर के तुष्टिकरण की राजनीति के लिए हाथ उठा करके फिर विरोध भी करने लगते हो। नहीं नहीं, हम तो उसका विरोध करते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। ये जनमानस बहुत समझदार जनमानस है और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में ये गलती जो कांग्रेस ने की है या अन्य राजनीतिक दलों ने भी की है ना, तो जनता ने उसको तुरंत आईना दिखाने का काम किया है। हम जात पात धर्म इन सब की बात नहीं कर रहे, हम विकास की, गरीब के कल्याण की बात करते हैं। और गरीब का जन कल्याण हमारी पार्टी का सपना है, एक विचार है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के। उस सपने को साकार करने के लिए हमारी पार्टी जहां सरकार में काम करती है कि समाज के अंतिम व्यक्ति का भी अंत्योदय होना चाहिए, इस विचार के लिए हम काम करते हैं। और आप हमसे कह रहे हो कि विकास नहीं, जिनको विकास है देखने की आदत नहीं, विनाश में ही विकास नजर आता हो तो उसको तो नजर नहीं आएगा। जिस उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, देख करके आइए किस प्रकार के रोड हैं, किस प्रकार के हाईवेज बन रहे हैं, किस प्रकार के डैम बन रहे हैं। आपके समय में बिजली को लेकर के बिजली का करंट ही नहीं आता था, आज देख लो आप 23,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस मध्य प्रदेश में हो रहा है। हम दिल्ली के मेट्रो के लिए बिजली रीवा से सप्लाई कर रहे हैं, सौर ऊर्जा से अपना काम चल रहा है जी। आज भी मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जा रहे हैं। लेकिन चेतन जी, अजय शाह, चेतन जी, अजय शाह जी तो यही बात कहते नजर आ रहे हैं कि नाम बदलने से क्या लोगों को सुविधाएं ज्यादा मिलने लगी, जो पुराने नाम थे, क्या लोगों को योजनाओं का लाभ या अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही थी क्या? मेरा ये मानना है कि अगर पुराने नामों से अगर इस देश का जन कल्याण हो रहा था तो क्यों नहीं कर लिया? 70 साल चलाया ना, क्यों नहीं किया भैया जन कल्याण? अगर पुराने नामों से, पुरानी योजनाओं से हो रहा था तो जिन लोगों को मैं कह रहा हूँ ना, जिन लोगों को आक्रांताइयों से भय था उन्होंने अपने नाम धर्म बदल लिए, और जो लोग अड़े रहे, टिके रहे, डटे रहे, वो हिंदुस्तान मातृभूमि वतन के लिए शहीद हो गए। तो जिन लोगों ने उस बात को स्वीकार किया उन्हीं लोगों में से ये लोग हैं, और जिन लोगों ने उन आताताई आक्रमणकारियों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, तलवार की ताकत को स्वीकार नहीं किया, वे सब भारतवंशी हैं। और भारत की पावन भूमि पर जो इतिहास है उस इतिहास को हम ठीक करने का काम कर रहे हैं जी। चलिए शाह जी, क्या कहेंगे इस बात को लेकर, क्योंकि चेतन जी यही बात कहते नजर आ रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां यहाँ पर गिनाते नजर आ रहे हैं, रीवा सोलर प्लांट की बात हो रही है, बिजली अन्य राज्यों में देने की बात यहाँ पर हो रही है, तो उनका साफ तौर पर यही कहना कि ध्यान भटकाने की राजनीति नहीं, वोट बैंक की राजनीति नहीं, सिर्फ विकास की राजनीति है, क्या कहेंगे शाह जी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क टूट गया। तो क्या कहेंगे चेतन जी, जिस तरह से कांग्रेस यही आरोप लगाती रही है कि विकास बीजेपी सरकार में नहीं हो रहा, अन्य अलग बातों को लेकर राजनीति होती है, मुद्दों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। देखिए, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिलकर के बनी है। हम उन छोटे लोगों में से हैं जो बड़ा काम करने का साहस रखते हैं, हम बिगड़ी हुई परिस्थितियों को बदलने का मादा रखते हैं। आज अगर मान लीजिए हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, अगर इनको विकास नजर नहीं आता है तो ये बार बार विधानसभा से वॉकआउट करके क्यों चले जा रहे हैं? आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब लाडली बहना को याद किया तो क्यों कमलनाथ जी कहते हैं नहीं हम सरकार में आएंगे तो हम 1500 रुपए देंगे उनकी, उस वर्ग को वास्तव में जरूरत है? जब आप 16 महीने की सरकार में थे तब आपको गरीबों का चिंतन नहीं हुआ, तब आपको प्रदेश की चिंता नहीं हुई? मैं जवाबदारी के साथ आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि 16 महीने में 16 विकास के वो काम बता दें जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस कह सकती है उंगली दिखा करके कि ये हमने काम खड़ा किया है। 16 महीने भी सरकार चलाने के लिए कम तो नहीं होते ना जी। जो लोग इस प्रदेश को विनाश के रास्ते पर ले गए हैं, थोड़ा छोड़िए पुरानी पीढ़ी से पूछिए 2003 के पहले का मध्य प्रदेश क्या था,
बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, सड़क नहीं थी, उद्योग धंधे नहीं थे, फसलें नहीं थी, अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। आज राजधानी में जहां मैं आपसे बैठ करके बात कर रहा हूं, यहां पर जब हम कोलार की पाइपलाइन की बात करने आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब के, हमारा पूरा पार्षद दल, इवन महापौर कांग्रेस की विभा पटेल जी ही थी, उनके नेतृत्व में गए, तब दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि जिनको नर्मदा का पानी चाहिए वो होशंगाबाद के सेठानी घाट पर जाकर अपना घर बना ले। इस तरह के मस्खरी जरूरत पर करने वाले लोगों की पार्टी और इस तरह के विचारों पर चलने वाली जो पार्टी है, वो अगर विकास की बात करती है तो फिर बहुत हंसी आती है। लाख जमाने की डिग्री हासिल कर ले कांग्रेस से, मैं कहना चाहता हूं, अगर आप में इंसान में बोलने की तमीज नहीं है ना, तो आप अनपढ़ के ही बराबर हो। जिस प्रकार आपने मध्य प्रदेश के जनमानस की चिंताओं को हंसी में टाल लाए, हंसी उड़ा करके जो आप बात करते थे, आज जनमानस तो समझदार हो गया, लोग आप पर हंसते हैं, इसके लिए भी अब आपको तैयार रहना चाहिए। मेरा ऐसा नाम बदलने को लेकर के कोई काम बदल जाता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जहां पर आवश्यकता के अनुसार नाम बदलना था वहां बदले गए। मेरे मित्र, आज आपने चैनल पे जवाबदारी के साथ इस वार्ता का आयोजन किया, मैंने दो तीन प्रश्न से पूछे तो उन्होंने कह दिया कि हाँ बदलना था, बदल दिया, समर्थन करना था कर दिए। अगर समर्थन करना था तो आप न्यूज चैनल पर विरोध क्यों कर रहे हो? न्यूज चैनल पर भी विरोध करो ना कि नहीं हमने ये किया है। तो इनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। इसीलिए इस मध्य प्रदेश से लेकर के देश तक की राजनीति में कांग्रेस मुक्त होने जा रही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी तमाम बात के लिए, और अजय शाह जी जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में नाम वाली सियासत, कुछ इस तरह की तस्वीरें इन दिनों निकल कर सामने आ रही हैं। जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, जिलों के नाम बदले जा रहे हैं, स्टेशनों के, बस स्टैंड के और सड़कों और स्टेडियम के नाम भी यहाँ पर बदलने की कवायदें देखने को मिल रही हैं।